वैलेंटाइंस डे की तैयारी हो चुकी है या शुरू करने वाले हो? मैंने सोचा कि आपके वैलेंटाइंस डे पे कुछ एडिशन मैं करवाऊं मेरी साइड से। सो आज मैं शेयर करने वाली हूं मोस्ट ट्रेंडिंग केक, रेड वेलवेट केक विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। नमस्कार, मैं हूं अनिल कोटक। शुरू करें। जब भी रेड वेलवेट केक बनाना होता है ना, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो नॉर्मल वैनिला केक का जो मेरे पास रेसिपी है उसके अंदर मैं रेड कलर डाल दूं और मेरा रेड वेलवेट केक हो चुका। और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार बेकरी में जो रेड वेलवेट केक मिलता है वैसा टेस्ट तो नहीं आता है, तो उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज ऐसा है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जब भी आप रेड वेलवेट केक खाते हो तो उसमें लास्ट में थोड़ा सा खट्टापन जैसा जो टेस्ट आता है, That is the actual taste of red velvet cake. वो चीज़ आएगा कुछ ingredients से जो मैं आपको recipe में दिखाऊंगी। So आज हम बना रहे हैं eggless version of it, ठीक है? सबसे पहले कोई भी cake जब हम लोग बनाते हैं तब उसके measurements ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। Measurement में कुछ plus minus हुआ तो आपका cake rise होके फिर बीच में से बैठ जाएगा, ऐसे सब issues होंगे। दूसरी चीज़, सारे ingredients रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। सो ये थी आज की आपकी विशेष टिप्पणी, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स एक ही टेम्परेचर के होने चाहिए, चाहे सारे ठंडे यूज करो चाहे सारे रूम टेम्परेचर पे यूज करो। मैं अभी सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने बटर को थोड़ा सा माइक्रो कर लिया है। इसके साथ डालेंगे कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर इसलिए क्योंकि उसके ग्रैन्यूल्स जो है वो छोटे होते हैं, तो जब आप उसको विस्क करोगे, बीट करोगे, तब वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है? अभी हम लोग जो बटर और शुगर को मिक्स कर रहे हैं इसको क्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। जब तक ये स्मूथ हो जाए और इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए, बटर जो है वो येल्लो है उसको वाइट हो जाए तब तक विस्क करना है। कलर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से वाइट हो चुका है। कोको पाउडर, रेड फूड कलर, रेड वेलवेट के लिए जो फूड कलर आता है वो पाउडर फॉर्म में ही यूज होता है क्योंकि ये बीटरूट का पाउडर होता है। पहले के जमाने में जब केक्स बनती थी तब इतने लिक्विड कलर्स नहीं थे, तब बेकर्स ऐसे बीटरूट को या पालक को, स्पिनेच को, सबको डिहाइड्रेट करके उसमें से कलर्स बनाते थे। नेचुरल कलर से ही वो लोग केक्स में कलरिंग करते थे। सो रेड वेलवेट में हमेशा बीटरूट का जो पाउडर होता है दैट इज बीन यूज्ड टू गिव दैट रेड कलर। और वो रेड कलर डार्क कब होता है, उसका जो कलर होता है वो टिपिकल रेड नहीं होता है, रेडिश ब्राउनिश जैसा कलर होता है, क्योंकि कोको पाउडर के साथ विनेगर और बटर मिल्क से इसका बैटर बनता है। कोको पाउडर जो है वो एसिडिक होता है, तो जब विनेगर और बटर मिल्क इसके साथ जाएगा तब वो कोको पाउडर रिएक्ट करेगा और उसका कलर और रेड कलर मिक्स होके रेड वेलवेट का कलर आएगा। तो अभी मैं डाल रही हूँ व्हाइट विनेगर। इसके साथ बटर मिल्क, अभी से देख रहे हो जैसे ही विनेगर गया और कोको पाउडर आया तो कलर का जो रिएक्शन होना था वो स्टार्ट हो चुका है। यू कैन सी, अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये स्टेज पे जजमेंट लेना है कि आपको कितना डार्क कलर चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। बाकी का मैदा फोल्ड करने के बाद बैटर जो है वो टाइट हो गया है, यू जस्ट हैव टू रिमूव द एंटायर बैटर। अभी इसमें डालेंगे ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हो। बेकिंग सोडा, बिकट एंड फोल्ड मेथड से
ऑयल को पूरा बैटर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। बैटर आप देख सकते हो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का प्रॉपरली रेडी हो चुका है। एक केक टिन है, ठीक है, मैंने 5 इंच डायमीटर का केक टिन लिया है और उसको चारों साइड से बटर पेपर से रैप कर लिया है, ठीक है, लाइनिंग कर लिया है। अभी जो बैटर की क्वांटिटी है उससे आपका 500 ग्राम्स का स्पॉन्ज बनेगा। मैंने अभी जो टिन लिया है वो 250 ग्राम वाला टिन लिया है, सो इसमें से आपके 2 केक्स बनेंगे। इसको टैप डाउन कर लेंगे। ये इसलिए करना है बैटर के अंदर जितने भी एयर बबल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। फाइनली फॉर बेकिंग। स्पॉन्ज तो गया बेक होने, स्पॉन्ज बेक हो जाए तब तक उसका क्रीम चीज फ्रोस्टिंग रेडी कर लेते हैं। क्रीम चीज फ्रोस्टिंग के लिए क्रीम चीज लेना है, उसके साथ बटर लेना है, सॉल्टेड बटर भी ले सकते हो, अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हो, बट आई लाइक सॉल्टेड बटर इसलिए मैं सॉल्टेड बटर ले रही हूं। आइसिंग शुगर, जब भी फ्रोस्टिंग रेडी करना होता है तब हमेशा आइसिंग शुगर का ही यूज करना है। सो डोंट आस्क मी कि मैं घर में पीसी हुई जो शक्कर होती है उसको यूज कर सकती हूँ या नहीं। पीसी हुई शक्कर अगर आप डालोगे तो वो पानी छोड़ देगा। आइसिंग शुगर के अंदर थोड़ा कॉर्नफ्लावर का प्रपोर्शन होता है जिससे वो आपके फ्रोस्टिंग को बाइंड करके रखेगा। एंड वेनिला एसेंस, हम लोग ने बैटर में वेनिला एसेंस नहीं डाला था बिकॉज फ्रोस्टिंग में मेरे को उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए। बस अभी इसको बीट करना है। एक बार चेक कर लेते हैं। यू कैन सी ये पीक कंसिस्टेंसी का हो चुका है, ठीक है, और जब ये ठंडा होगा तब और थोड़ा सा हार्ड होगा। इसको थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रेस्ट देंगे, आधा घंटा मिनिमम, 1 घंटा अगर रख पाओ तो अच्छा है। और यही क्रीम चीज फ्रोस्टिंग को आप स्टोर कर सकते हो, 7 डेज तक आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। ओके, सो जब तक हम लोग का स्पॉन्ज बेक होता है मैं इसको दूंगी रेस्ट। रेड वेलवेट केक बेक हो चुका है और मैंने इसको थोड़ा ठंडा करने रख दिया था। जब भी ठंडा करना हो तब उसको वायर रैक पे ही लेना है। ओके, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा और सॉफ्ट स्पॉन्ज। अभी इसको बीच में से स्लाइस करना है। टर्न टेबल में शिफ्ट कर लेंगे। रेड वेलवेट स्पॉन्ज है, दैट मींस कि वो क्रम्बली होना चाहिए, वही उसका एक्चुअल टेक्सचर है। ओके, यू कैन सी बहुत अच्छा सा वेलवेटी टेक्सचर है उसका। 3 लेयर में उसको कट कर लेंगे। अगर आपको कटिंग करने में इसका कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना, ठंडा हो तभी इसको कट करना, बिकॉज ये केक बहुत डेलिकेट होता है एंड इट इज वेरी क्रम्बली। अब उसका लेयरिंग कर लेंगे। लेयरिंग के लिए जो सेंटर वाला जो लेयर है उसको सबसे पहले नीचे लेना है। ओके, और जो क्रीम चीज फ्रोस्टिंग हम लोग ने बनाया था I'll put that।
मैं अभी जो केक बना रही हूँ वो रफ केक बना रही हूँ, जिसको नूड केक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई नोजल या ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल लेयरिंग करेंगे और उसको डेकोरेट कर लेंगे। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका स्पॉन्ज जितना ठंडा होगा उतना आप लेयरिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो ऊपर वाला जो पार्ट था, फर्स्ट लेयर जो हम लोग ने काटा था, उसको सेंटर में लेना है, क्योंकि वो थोड़ा कर्वी होता है जब ऊपर से केक राइज होता है, ठीक है। तो उसको सेंटर में लेंगे। ये स्पॉन्ज इतना वेलवेटी होता है कि इसको सोक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी आप लोग को चाहिए कि नहीं मेरे को और ज्यादा मॉइस्ट केक चाहिए, तो आप इसको सोक कर सकते हो, शुगर सिरप से कर सकते हो, कोई भी फ्रूट जूस से कर सकते हो। वही लास्ट लेयर जो था, जब हम लोग ने टिन उल्टा करके डीमोल्ड किया, तो नीचे का जो सरफेस होता है वो हमेशा फ्लैट होता है, वो सरफेस टॉप में आएगा जब भी आप कोई भी केक बना रहे हो। व्हाइट चॉकलेट, व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट जिसको ग्रेट किया हुआ है, और थोड़े से शुगर डेकोरेशंस। सम ग्रीन। सो फाइनली रेड वेलवेट केक विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग तैयार है। आप इसके ऊपर कोई भी पाइपिंग कर सकते हो, फ्रेश फ्लावर से इसको डेकोरेट कर सकते हो, बट अभी का जो ट्रेंड है केक्स का वो बहुत ही रफ केक्स और नूड केक्स का ट्रेंड है। सो जितनी आपकी केक रफ होगी उतनी ही वो ब्यूटीफुल लगेगी।